अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिहान शेख। आज हम बनाने जा रहे डार्क चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी चॉकलेट के लिए डबल बॉयलर रख लेना है गैस पर, इस तरीके से। कौन सा भी ग्लास हो या स्टील का भी रख सकते हो। अभी इसमें 30 ml कोकोनट ऑयल को डाल लेना है। अभी इसमें 60 ml मिल्क पाउडर को डाल लेना है। अभी इसमें 60 ml कोको पाउडर को भी डाल लेना है। अभी उसमें 60 ml शुगर पाउडर को भी डाल लेना है। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है, मिक्स करते रहना है, फ्लेम को सिम ही रहना है। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है चॉकलेट। अभी इसको एक चॉकलेट के मोल में डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से एक चॉकलेट मोल लेना है। अभी इस चॉकलेट को इसमें डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी एक चॉकलेट को इस मोल में डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से चॉकलेट को डाल लेना है। अभी इस चॉकलेट मोल को हल्का से टैप कर लेना है। अब इस चॉकलेट मोल को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट बन चुका है। अभी इसको डीमोल्ड करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना अच्छा चॉकलेट बना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डार्क चॉकलेट बन चुका है। अभी व्हाइट चॉकलेट बना लेते हैं। अभी व्हाइट चॉकलेट बनाने के लिए डबल बॉयलर रख लेना है। उसमें 30 ml कोकोनट ऑयल को डाल लेना है। अभी उसमें 60 ml शुगर पाउडर को भी डाल लेना है। अभी शुगर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 60 ml मिल्क पाउडर को भी डाल लेना है। आप कौन सा भी ब्रांड का ले सकते हो मिल्क पाउडर। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मिक्स करते रहना है 5 से 10 मिनट तक। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेना है। अभी इसमें 1 ड्रॉप वेनिला एसेंस को डालना है। इसको भी अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अभी इसको भी एक चॉकलेट मोल में डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी एक चॉकलेट मोल लेना है। अभी इसमें इस चॉकलेट को, व्हाइट चॉकलेट को डाल लेना है। अभी इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, इस तरीके से डाल लेना है। अब इसको एक बार टैप करना है धीरे से। अब इस व्हाइट चॉकलेट को भी 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट चॉकलेट भी बन चुका है। अब इसको भी डीमोल्ड करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट चॉकलेट कितना अच्छा बना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डार्क चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट चॉकलेट कितना अच्छा बन चुका है। अभी डार्क चॉकलेट को भी दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डार्क चॉकलेट भी कितना अच्छा बना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे
डार्क चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट बन चुका है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल रिहान शेख। थैंक यू।